हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू द लाइव सेशन। सब लोग आ गए, जल्दी से आ जाओ फटाफट से, तो सेशन को शुरू करते हैं। चलो, आवाज़ आ रही है, क्लियर है, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सेशन को ज्वाइन कर लो। चलिए जल्दी से आज थोड़ा सेशन जल्दी ख़त्म करेंगे। ओके, चलो आ गए सब लोग, शुरू करें। अप्रैल 9, 2020, आज का करंट अफेयर्स सेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज जो भी करंट अफेयर्स चले उसके बारे में। नाउ रिसेंट, यहाँ पे इसकी जो पीडीएफ जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वेल एकेडमी करंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। सो आप यहाँ पे पीडीएफ लेना चाहते हो तो ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, चलो जल्दी से लाइक कर दो सेशन को एंड ज्वाइन कर लो। ओके, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कोर्सेज में, तो इन बटन्स पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है? डायरेक्टली आपको कोर्स पेज पे विजिट किया जाएगा, बाद में देख लेंगे हम, लास्ट में बता दूंगा जिनको इंटरेस्ट हो उनके लिए। नाउ सीधा सेशन शुरू करते हैं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पे सेशन होता है। डेली बेसिस पे हम दो लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला, कैबिनेट अप्रूव्ड 30% सैलरी कट ऑफ पीएम मिनिस्टर एमपी फॉर FY 2021 टू मैनेज COVID-19, MPLAD सस्पेंडेड फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे कैबिनेट ने 30% सैलरी यहाँ पे कट की है पीएम, प्राइम मिनिस्टर की, मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की। तो और उसके साथ साथ इन्होंने MPLAD को सस्पेंड किया है 2 साल के लिए। MPLAD क्या है? MPLAD एक तरह का यहाँ पे स्कीम थी, जो कि यहाँ पे लोकल एरिया डेवलपमेंट, एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए थी। तो उसको यहाँ पे इन्होंने कैंसिल किया हुआ है 2 साल के लिए, ठीक है? 2 साल के बाद ये करेंगे। अभी के लिए उसमें जितना भी फंड है वो COVID-19 के रहते उसमें यूज़ किया जाएगा। सो क्लियरली लिखा हुआ है, द अमाउंट सेव्ड कैन गो टू द कंसोलिडेटेड फंड टू फाइट इंडिया टू ऑफ इंडिया टू फाइट COVID-19, ठीक है? ये अनाउंसमेंट किया गया है प्रकाश जावड़ेकर, जो कि यूनियन मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। अब ये जो सैलरी कट है वो पूरा 1 साल के लिए, मतलब 1 महीने के लिए नहीं है, 1 साल के लिए 30% सैलरी यहाँ पे डोनेट की जाएगी इनकी। और इसमें यहाँ पे सिर्फ सैलरी की बात की है, जो भी पेंशन वगैरह होंगे वो नहीं कट होंगे। और यहाँ पे अगर बात करते हैं MPLAD के बारे में, तो MP लोकल एरिया डेवलपमेंट में फंड्स जो है 2020-21 और 2021 से 22, ये जो COVID-19 के क्राइसिस में यहाँ पे स्पेंड किए जाएंगे। और इसमें ये स्कीम को कैंसिल करने से जो पैसे बचे वो कितने हैं? 7,900 करोड़। और इसको यहाँ पे COVID-19 के क्राइसिस में स्पेंड किए जाएंगे, ठीक है? बात करते हैं यहाँ पे MPLAD के बारे में, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अगर आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ लेना ये क्या है, ठीक है? समझ में आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, NHAI अचीव्ड रिकॉर्ड 3,979 किलोमीटर हाईवेज कंस्ट्रक्शन इन FY 2019-20। मतलब NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है 3,900 जितना किलोमीटर, मतलब ये करीबन 4,000 जितना हो जाता है, 4,000 नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करने का। और इट हैज़ कंप्लीटेड 88% ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन अगेंस्ट द टारगेट ऑफ बिल्डिंग 4,500 किलोमीटर हाईवेज। मतलब इन्होंने टारगेट कितना कंप्लीट किया हुआ है? 88% जितना कंप्लीट कर दिया है। NHAI कंस्ट्रक्टेड 3,380 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज, ठीक है? ये एक अच्छा नया रिकॉर्ड है। द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड अ हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 2015, नेमली भारतमाला परियोजना, ठीक है? भारतमाला परियोजना, दिस इज द इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट टू डेवलप हाईवेज। 65,000 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करना था, और इम्प्लीमेंटेशन 34,800 को यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का अप्रूव मिल गया था। बजट कितना था? 5.35 लाख करोड़, एंड पीरियड कितना था? 5 साल का था। दैट मीन्स बहुत अच्छी बात है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ मैंडेटेड टू डेवलप 27,500 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज अंडर फेज़ 1। फेज़ 1 में इतने किलोमीटर
का हाईवे बनाना था, वो उन्होंने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे ये बहुत, इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, तो 1995 में एस्टैब्लिशमेंट है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, मतलब ये कंट्रोल करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। चेयरमैन है डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, ठीक है। ओके क्लियर, समझ में आ गया, आगे बढ़े। ओके आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी सारी की सारी याद रखनी है, मैंने मार्क भी कर दी है। नाउ USAID अनाउंसेस 2.9 मिलियन डॉलर एड टू फाइट टू इंडिया टू फाइट कोरोना वायरस। मतलब यूनाइटेड स्टेट की एक एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट की, USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब इसने यहाँ पे अनाउंस किया हुआ है 2.9 मिलियन डॉलर का यहाँ पे ग्रांट इंडिया के लिए कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए, ठीक है। और यूएस के जो ये जो एम्बेसडर है, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया केनिथ जस्टर मेंशन दैट द असिस्टेंट विल फर्दर सपोर्ट इंडियाज रिस्पॉन्स टू COVID-19। ये यहाँ पे जो असिस्टेंट है वो पूरा सपोर्ट करेगा इंडिया जो भी रिस्पॉन्स करता है COVID-19 में, ठीक है। ओके द फंड्स विल सपोर्ट USAID's हेल्थ ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड बाय पीगो, GHPGO एंड इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी यहाँ पे ये लोग हेल्प करने वाले हैं। हेडक्वार्टर्स यहाँ पे Washington DC है, और इसका मोटो है फ्रॉम द अमेरिकन पीपल। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? मार्क ग्रीन, ठीक है। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है भाई। 6 लाइक्स दिख रहे हैं मुझे, लाइक कर दो जल्दी से सेशन को, अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है तो। और दोस्तों को शेयर करते हो आप डेली बेसिस पे, कर दिया करो, उनको बताओ चैनल पे, ये चैनल पे अपडेट्स आते हैं करंट अफेयर्स के। तेलंगाना गवर्नमेंट डिप्लॉयज इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड COVID-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप। अब बहुत सारे ऐप्स बन रहे हैं, इसमें तेलंगाना क्यों पीछे रहेगा? तो तेलंगाना ने भी अपना एक ऐप लॉन्च किया हुआ है जो कि ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ऐप बना के क्या मतलब है अभी। वैसे इस ऐप भी खास, इस ऐप की खास बात ऑब्वियस बात है, हर कोई ऐप बनाएगा, तो मैंने ही अच्छा बनाया हुआ है इसकी कॉम्पिटिशन में। ये ऐप की खासियत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐप क्या करेगा, ऑटोमेटिक 1500 कॉल एक साथ हैंडल कर पाएगा। मतलब आप अगर कॉल करते हो तो सामने से एक बॉट आंसर करेगा और वो आपके सारे सवाल का जवाब देगा COVID-19 के रहते हैं। और ये ऐप की टेक्नोलॉजी भी वही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, GPS एंड जियो टैगिंग, ठीक है। ये पूरी टेक्नोलॉजी आने आगे के जो भी 10-15 ऐप बन चुके हैं उसमें यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन फिर भी एक नेशनल लेवल पे एक ऐप काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे ऐप बनाए जा रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आपको पकड़े नहीं जाना है, बाहर निकलते हो थोड़ा बहुत भी, नहीं निकलना मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बाहर निकलना है, मतलब बाहर निकलते हो और ऐप में रजिस्टर किया हुआ है तो पकड़े जाओगे। तेलंगाना डायरेक्टर कौन है, मतलब यहाँ पे ये जो हेल्थ ये जो एप्लीकेशन है वो डेवलप किया गया है स्टार्टअप पेरा स्मार्ट हेल्थ केयर, एंड लॉन्च किया गया है तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव, ठीक है। ओके और ये सारी रियल टाइम एनालिटिक्स चीफ मिनिस्टर को प्रोवाइड की जाएगी, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है। बाकी अगर तेलंगाना के बारे में बात कर ले तो कैपिटल यहाँ पे हैदराबाद है, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एंड गवर्नर तमिलीसाई सौंदर राजन। ओके भाई बहुत डिफिकल्ट नाम है, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेट के रिलेटेड है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है, सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से कर दो, अभी तक यार सिर्फ देख रहे हो तो यार मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ज्वाइन हैंड्स विथ भारती एक से टू ऑफर COVID-19 इंश्योरेंस प्लान्स। इंश्योरेंस प्लान्स भी यहाँ पे लॉन्च हुए हैं, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है भारती एक से ग्रुप हेल्थ अश्योरिटी। ओके हम कहाँ चले गए, हाँ ये भारती एक से ग्रुप हेल्थ एश्योर पॉलिसी, जिसमें यहाँ पे लमसम बेनिफिट 25,000 तक का प्रोवाइड किया जाएगा, और स्टार्ट होता है ये बेनिफिट ₹500 से, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई यहाँ पे पॉजिटिवली डायग्नोस होता है कोई पर्सन, तो उसको यहाँ पे 100% सम इंश्योर किया जाएगा, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो। और अगर यहाँ पे नेगेटिव है 14 डेज के, कम से कम 14 डेज के यहाँ पे क्वारंटाइन के बाद नेगेटिव है, तो उसको यहाँ पे 50% यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो इन्होंने ये जो पर डे के फिक्स अलाउंस भी इन्होंने साथ में बताया हुआ है, जैसे कि पर डे बेनिफिट ऑफ ₹500 to 1,000 इज पेड फॉर ईच डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन अप टू मैक्सिमम फॉर 10 डेज। मतलब 10 दिन तक यहाँ पे इतना यहाँ पे ₹500 से ₹1,000 डेली प्रोवाइड किया जाएगा।
एस्टैब्लिशमेंट एयरटेल पेमेंट्स बैंक का 2017 में हुआ था। हेडक्वार्टर्स यहाँ पे न्यू दिल्ली और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल। भारती एक से जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट 2008, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र एंड चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर ऑफिसर संजीव श्रीनिवासन। आपको बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ेगा अगर आप करंट अफेयर से वाकिफ नहीं हो तो, भाई बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सब लोग देख रहे हो, सो नहीं गए हो ना, नींद नहीं आ रही है ना? कितने बजे उठते हो एक बात ज़रा बताओ तो सही, अभी क्वारंटाइन में कितने बजे उठते हो आप? नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं। फोर्स मेजोर नॉट एप्लीकेबल टू कोविड-19 डेथ क्लेम्स इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब बात कर लेते हैं ये फोर्स मेजोर है क्या। ठीक है, फोर्स मेजोर एक फ्रेंच लॉ है और ये एक टर्म फ्रेंच से ओरिजिनेट हुई है, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल डिजास्टर, वॉर, वॉरलाइक सिचुएशन, लेबल अनरेस्ट, स्ट्राइक्स, एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स इसमें आती है, तो उसको यहाँ पे ये जो इवेंट्स होती है उसको फोर्स मेजर कहा जाता है। और किसी भी इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, इन इवेंट्स को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है और इसके सामने ये कॉन्ट्रैक्ट नल हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो डेथ क्लेम जो कोविड-19 के थ्रू होगा वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है, अनाउंस भी कर दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को भी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या बात, आप लोग 8 बजे उठ जाते हो। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं अभी आधे घंटे पहले उठा हूँ। हाँ, बिकॉज रात को भी लेट हो गया था, आई वॉज मेकिंग लेक्चर्स, तो आज थोड़ा लेट हो गया। वरना मैं उठता हूँ 9 साढ़े 9 बजे, कभी कभी 9:30, बस इससे ज़्यादा लेट नहीं होता है, उठ ही जाता हूँ। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। PNBHB एंटर्स द इनटू एग्रीमेंट विद जीका सिटी बैंक टू रेज USD 100 मिलियन। यहाँ पे PNBHF सुना सुना नाम लगता है, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस, इसने यहाँ पे साइन किया हुआ है एग्रीमेंट। किसके साथ? जीका के साथ, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ। कितने मिलियन डॉलर्स का मतलब एग्रीमेंट? 75 मिलियन डॉलर्स का एग्रीमेंट। और सिटी बैंक के साथ इन्होंने एग्रीमेंट बनाया जो कि है USD 25 मिलियन डॉलर्स। और ये सारे ये टू प्रोवाइड लोन्स टू अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट सो एज टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ लो इनकम हाउस होल्ड्स एंड टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। अब ये सारी चीज़ें किस लिए? बिकॉज जो भी ज़रूरतमंद है उनको यहाँ पे हाउसिंग बेनिफिट्स और हाउसिंग लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए ताकि इकोनॉमिकली इंडिया में ग्रोथ आए। ओके, बहुत अच्छी बात है। नाउ इसके बारे में बात कर लेते हैं। जीका का ये पहला डेप्थ रहेगा फंडिंग इंडिया के अंदर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर। ठीक है, ये जो है इट इज़ अ 5 ईयर लॉन्ग टर्म लोन विच हेल्प्स टू बैलेंस द कंपनीज एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट पोजिशन। ठीक है, और इसके बारे में, इसके रिलेटेड, जीका के रिलेटेड कुछ और न्यूज़ थी आपको पता है? मतलब कुछ दिन पहले जीका की कुछ और न्यूज़ थी, शायद आप लोगों को पता हो, अनाउंस की थी हमने, करंट अफेयर्स में आई थी। हमने क्या अनाउंस की थी? करंट अफेयर्स में ही आई थी। चलो बताओ भाई, सब लोग 8 बजे उठने वाले, 7 बजे, 6:30 बजे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मैं नहीं उठ पाता हूँ। सो अभी के टाइम में नहीं उठ पाता हूँ, वरना कभी कभी उठ भी जाता हूँ। लगे रहना, आदत बना लेना अभी 6:30 7 बजे उठने की। चलो जल्दी बताओ, जीका की क्या न्यूज़ थी? जीका रेलवे के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ थी है ना, याद कर लेना, मुझे शाम को बताना। ठीक है, हेडक्वार्टर्स PNBHF के बारे में बात कर लेते हैं, न्यू दिल्ली में है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? संजय गुप्ता। और जीका के बारे में, हेडक्वार्टर्स टोक्यो जापान। प्रेसिडेंट कौन है? किटाओ का सिनिची, किटाओ का सिनिची। सिटी बैंक के बारे में बात करते हैं, तो हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। और CEO एशिया पैसिफिक कौन है? मैरी मैकनिफ। ठीक है, सो दिस आर द इंफॉर्मेशंस, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन स्टैटिक में पूछी जा सकती है। ठीक है, चलो यूबी प्रवीण राव अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड रेखा मेनन एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम के यहाँ पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का यहाँ पे अनाउंस किया गया है, जो कि सबसे पहले जो चेयरमैन है वो यूबी प्रवीण राव है, और जो मतलब एंड चेयरमैन एंड सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टर ऑफ एसेंशियर इन इंडिया। मतलब यहाँ चेयरमैन भी है और साथ में चेयरमैन एंड सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसेंशियर के भी यहाँ पे ये चेयरमैन भी है।
रेखा मेनन एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट फॉर 2021। रेखा मेनन को, रेखा एम मेनन को 2020-21 के लिए वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस किया हुआ है। अब ये यूपी प्रवीण राव जो है उन्होंने किसको सक्सीड किया है, केशव मुरुगेश, मतलब इससे पहले कौन थे, केशव मुरुगेश, और ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क सर्विसेज ग्लोबल सर्विसेज, हु सर्व्ड एज अ चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम फॉर द ईयर 2019-2020। प्रीवियसली राव वॉज द वाइस चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम। पहले यूपी प्रवीण राव जी नेस्कॉम के वाइस चेयरमैन थे, अब इनका यहाँ पे अब इनको चेयरमैन बना दिया गया है, ठीक है, ओके। और ये सारी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू की गई है COVID-19 लॉकडाउन में, ठीक है। नेक्स्ट नेस्कॉम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नेस्कॉम नोएडा उत्तर प्रदेश उसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है, देवजनी घोष, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेस्कॉम, आपको याद रखना है, देवजनी घोष फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेस्कॉम। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शेफाली वर्मा नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सिको। बिवरेज मेजर पेप्सिको हैज़ नेम्ड शेफाली वर्मा, 16 ईयर ओल्ड इंडियन वुमेन क्रिकेटर, मतलब शेफाली वर्मा आपको शायद पता होगा इंडियन वुमेन क्रिकेटर है और उनकी एज 16 ईयर्स है, उनको यहाँ पे एज अ ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया है पेप्सिको ने 1 साल के लिए। पेप्सी विल बी शेफाली फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट विद अ मेजर ब्रांड। द बिवरेज फर्म रिसेंटली साइंड बॉलीवुड स्टार सलमान खान एज इट्स फेस फॉर 2 ईयर्स, मतलब रिसेंटली बॉलीवुड स्टार सलमान खान को भी इन्होंने यहाँ पे साइन किया हुआ है, याद है वो वाला यूट्यूब पे आ रहा होगा ऐसा, ऐसे बॉटल में हाथ में लेके ट्रेंडिंग पे ये चीज़ थी। सो 2 साल के लिए साइन किया हुआ है और अभी शेफाली वर्मा को भी इन्होंने साइन किया है, ठीक है, और वो इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं, उनके बारे में यहाँ पे ये दिया हुआ है। हरियाणा से बिलोंग करते हैं और उन्होंने ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप खेला है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में जो हुआ था, ओके। एंड यंगेस्ट वुमेन क्रिकेटर, शी ऑल्सो बिकेम यंगेस्ट वुमेन क्रिकेटर टू प्ले फॉर इंडिया एंड शी डेब्यूटेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये 30 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड था किसका, इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का, जो कि शेफाली ने ब्रोक किया हुआ है एज अ यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर एंड इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी इन नवंबर 2019। बहुत अच्छी बात है। चलो DRDO डेवलप्स पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर एंड फुल फेस मास्क। अब DRDO ने यहाँ पे पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर एंड फुल फेस मास्क बनाया हुआ है, ये हेल्प करेगा हेल्थ वर्कर के लिए या हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए। अब ये पर्सनल की फैसिलिटीज क्या रहेगी, ये एक पोर्टेबल है, इट इज़ अ पोर्टेबल फुल बॉडी डिस इन्फेक्शन चेम्बर विच एनेबल्स डी कॉन्टेमिनेटिंग अ पर्सन एट अ टाइम एंड इज इक्विप्ड विथ अ सैनिटाइजर एंड सोप डिस्पेंसर, इसके अंदर ये फैसिलिटी है। और यहाँ पे दिस सिस्टम कैन बी यूज टू डिस इन्फेक्ट पर्सनल इज इन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड इम्प्रूवमेंट एरिया सच एज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ हॉस्पिटल्स मॉल्स ऑफिस बिल्डिंग्स क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस, ठीक है। इट इज डिजाइन बाई व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट VRDE अहमदनगर, DRDO लेबोरेटरी एंड मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ DH लिमिटेड गाजियाबाद विद इन 4 डेज। यहाँ पे DRDO की एक लेबोरेटरी है व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अहमदनगर, वो एक लेबोरेटरी उसने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में और भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, वो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। और DRDO ने साथ में कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग्स भी बनाए हुए हैं। द वाटर एंड एयर प्रूफ बैग इज डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट और आइसोलेट पर्सन इन्फेक्टेड विथ COVID-19 बाई DRDO डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलोर एंड न्यूक्लियर केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन सिस्टम्स, ओके। वाटर एंड एयर प्रूफ बैग, अगर कोई पर्सन को आइसोलेट करना है जो कि COVID-19 से इन्फेक्ट हुआ है, ओके। DST सेटअप कवच एट साइन IITB फॉर सपोर्टिंग स्टार्टअप्स विद फंडिंग टू टैकल COVID-19। वही एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट मतलब एक डेवलपमेंट बोर्ड है किसका, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, DST का। उन्होंने यहाँ पे एक COVID-19 के हेल्थ क्राइसिस में 56 करोड़ का यहाँ पे सोर्स एंड सपोर्ट यहाँ पे स्टार्टअप को एड्रेस किया हुआ है। जो स्टार्टअप्स यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड है, जो यहाँ पे COVID-19 के जो चैलेंजेस है उससे फाइट कर रहे हैं, और ये स्टार्टअप का जो फंड है 50 लाख से 200 लाख तक वेरी करेगा, ठीक है, पर स्टार्टअप की जो फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, ये जो DST है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने नॉमिनेट किया हुआ है
सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन को, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है IITB का, और यहाँ पे ये जो साइन है वो पूरी तरह से आगे बढ़ने वाला है। ऑल्सो सपोर्ट टू पोटेंशियल स्टार्टअप्स बाई वे ऑफ द रिक्वेस्टेड फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड फंड डिप्लॉयमेंट टारगेटिंग इनोवेशंस डेट आर डिप्लॉयबल इन द मार्केट विद इन नेक्स्ट 6 months। मतलब ऐसे स्टार्टअप्स और ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको यहाँ पे आने वाले 6 महीने के अंदर अगर मार्केट में डिप्लॉय करेंगे तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, और डिप्लॉय करने के लिए जो रेडी है उनको यहाँ पे ये फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। और इसके अंदर क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए, जैसे कि डिसइंफेक्शन, प्रोटेक्शन गियर, कोटिंग्स, इन्फॉर्मेशन मॉनिटरिंग असिस्टेंस, डायग्नोस्टिक्स, प्लेथोरा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 अप्रैल 7, मतलब अप्रैल 7 को यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे मतलब ये दिन बहुत अच्छे से याद रहेगा, बिकॉज अभी सिचुएशन किस हिसाब से चल रही है, एंड आप लोग को भी पता होगा हर साल अब तो याद रहेगा वर्ल्ड हेल्थ डे। COVID-19 में ये दिन आया हुआ है, और ये सपोर्ट नर्सिस और उनके लिए किया गया है, नर्सिस एंड मिडवाइफ्स। नाउ ओके, इससे एक बात याद आती है, एज अ मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड एज अ वीडियो मेकर आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताना मेरा फ़र्ज़ है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपकी सोसाइटी में ये चीज़ होती होगी या फिर आप ऐसा करते होगे, जनरल बात कर रहा हूँ, खुद पे मत लेना। अगर आपकी सोसाइटी में कोई हेल्थ वर्कर रहते हैं सो उनको सपोर्ट करना अभी फ़र्ज़ बनता है आपका। ऐसा कि नहीं कि उनको ही आप सोसाइटी के अंदर उनके ही घर में आप ना आने दो, क्योंकि वो हॉस्पिटल में काम करके आ रहे हैं, वो सारे प्रिकॉशंस लेते हैं और परेशान आपको नहीं करते, बस आप उनसे दूरी बनाए रखिए, लेकिन उनको आप सोसाइटी में नहीं आने देते हो, ये कैसी बात होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो चलो, लेकिन आपके आसपास ऐसा हो रहा है, सो एज अ एजुकेटेड पर्सन आप ये चीज़ को रोक सकते हो और उनको बता सकते हो दे आर वर्किंग। सोशल मीडिया पे बहुत हम फोटो पोस्ट करते हैं, लेकिन न्यूज़ में ये चीज़ आ रही है कि हेल्थ वर्कर्स को यहाँ पे घर में ही नहीं घुसने दे रहे हैं, मतलब पूरी तरह से झगड़ा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। सो दैट शुड नॉट बी डन, वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, दिस इज़ द टाइम हेल्थ वर्कर्स को सपोर्ट करना चाहिए। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ एक मैंने एक मैसेज की तरह पहुंचाई। अगर आपके आसपास इन केस 15 लोग देख रहे हैं लेकिन आपके आसपास ये चीज़ हो रही है, और शायद ये मैसेज का अगर कुछ इम्पैक्ट हो तो आप ये चीज़ को रोक देना। एज अ ह्यूमन सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये चीज़ को रोक दी जाए। जो करते हैं उनका तो दिमाग की सोच ही बहुत छोटी होती है, या सिर्फ व्हाट्सएप पे दिखाने के लिए ये चीज़ की जाती है कि देखो हेल्थ वर्कर्स ऐसे सो रहे हैं, काम कर रहे हैं 24 घंटे, लेकिन सपोर्ट करने की बात आती है तो दे डोंट डू। सो आई होप मेरी बात आप तक पहुंच रही है। मैं आपको पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली बात कर रहा हूं, आपके आसपास ये चीज़ हो सकती है, अगर होती है तो प्लीज़ रोक लेना जहां तक पॉसिबल है, और खड़े हो जाना उनकी तरफ से ताकि उनको भी लगे कि है यस पब्लिक है सपोर्ट में। सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल अनाउंसेस 5T प्लान टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ COVID-19। COVID-19 के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए 5T प्लान लॉन्च किया गया है। 5T प्लान क्या है? टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। ये चीज टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, 5T प्लान है और उसके साथ साथ एक मॉनिटरिंग है, ठीक है, 5T में ये आता है, टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ COVID-19। और इसके की पॉइंट्स जो है, टेस्टिंग के थ्रू ही यहाँ पे डिटेक्ट कर लेना है कि अगर पर्सन को COVID-19 है या नहीं, और उसको रोकना है। ट्रेसिंग मतलब पर्सन एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव पेशेंट, मतलब अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कितनों के साथ मिला हुआ है, उनको ट्रेस करना है। सबसे पहले एक टेस्ट किया, फिर ट्रेस किया, फिर ट्रीटमेंट, समवन इज इन्फेक्टेड तो उसको यहाँ पे COVID-19 में यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है, फिर टीम वर्क, द वायरस कैन बी कॉम्बेटेड एंड डिफीटेड थ्रू टीम वर्क। ऑब्वियस बात है, टीम वर्क मतलब साथ में रह के काम नहीं करना है, टीम वर्क ही करनी है, दूर रह के करनी है। ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, जो यहाँ पे क्वारंटाइन में है वो सारी चीज़ें वो ध्यान रख रहे हैं, मतलब घर पे ही रह रहे हैं, या फिर साथ साथ में कोरोना वायरस को यहाँ पे रोकने के लिए जो भी एक्शंस लेने पड़े वो सारे ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग में आएंगे। दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नर है अनिल बैजल, स्टेट बर्ड हाउस स्पैरो, स्टेट एनिमल नीलगाय, ठीक है। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर।
MOEFCC एडवाइजरी रिगार्डिंग कंटेनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड 19 इन नेशनल पार्क्स सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व्स। एज अ रिजल्ट न्यू रिपोर्ट ऑफ 4-year-old मलायन टाइगर नेम नादिया एट न्यूयॉर्क ब्रॉन्क्स जू बींग इन्फेक्टेड विद द कोविड 19। मतलब एक टाइगर को कोविड 19 हुआ है। देखो एक अफवाह है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एनिमल्स को कोविड 19 मतलब कोरोना वायरस एनिमल्स को नहीं होता है। ऐसा नहीं है, उनमें अभी तक फैला नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं पे नहीं है कि एनिमल्स को नहीं होता है, उनमें फैला नहीं है। ठीक है, अगर उनमें फैलेगा तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सो अभी सबसे पहला केस यहाँ पे टाइगर में देखा गया है, मतलब टाइगर में सबसे पहला केस यहाँ पे 4 साल का एक टाइगर है नादिया, जिसका नाम है न्यूयॉर्क में, उसको यहाँ पे कोविड 19 का इन्फेक्शन हुआ है। एंड उन्होंने यहाँ पे ये सारी ये अब कंट्रोल करने के लिए नेशनल पार्क सेंचुरीज टाइगर रिजर्व्स उसको यहाँ पे संभाल के रखने के लिए कहा है कि वहाँ के एनिमल्स को यहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर दिक्कत आई एनिमल्स में, ये चीज़ अगर फैल जाती है तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर। एंड क्या आपको ये टाइगर वाली बात तो शायद आपको पता होगी। ठीक है, बहुत सारे मिथ्स है कोविड 19 के रहते, मतलब कोरोना वायरस के बहुत सारे मिथ्स है। सो सारे मिथ्स को मिथ्स से दूर रहो, ये जो मिथ्स होती है वो अफवाह का ही काम करती है, हम फैला देते हैं। सही न्यूज़ से ही आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लो, बाकी आपको यहाँ पे क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, हाँ वो स्टेटस पे दिख जाए, व्हाट्सअप के स्टेटस पे तो भाई भरोसा ही मत करना। ठीक है चलो, और भाई लाइक नहीं किया अभी तक, सेशन देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक कर दो यार, ऐसा थोड़ी चलता है। और इसकी PDF मैं आप शेयर कर दूंगा आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप ले लेना। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है ना सबने, किया है और बेल आइकन प्रेस किया है, नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। अगर नहीं किया है तो भी कर लो। और कोशिश करेंगे अब से थोड़े 1-2 दिन में हम लेक्चर्स भी शुरू करेंगे, ताकि आपको हम यहाँ पे अलग अग तरह के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करवा सके। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, करंट अफेयर्स का सेशन समझ में आ गया। शाम को मिलते हैं 5 बजे के सेशन में, जहाँ पे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनको यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। सो मिलते हैं शाम को। और भाई अगर एनरोल करना चाहते हो, दिस आर द कोर्सेज, इन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देना, PDF आपको मिलेगी, आपको कोर्स पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा पढ़ लो, डेमो लेक्चर्स देख लो, बिंदास आपकी मर्जी, और उसके बाद में सोच समझ के एनरोल करो। अभी के टाइम पे प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे तरह से कर लो। ठीक है, सो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।